चलिए देखते हैं सीसी 13 का एमसीक्यू। और सीसी 13 में क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने किसके पक्ष में तर्क दिया था? एडम स्मिथ तो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे। ठीक है, वो बोलते थे कि ट्रेड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये सब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है कि निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं, एक्सपोर्ट पे फॉर इंपोर्ट, इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि निर्यातों से प्राप्त आय का आयातों पर व्यय करना, ये इसका मतलब है। इसका रूल इन मॉडल 2x2x2 कहने का मतलब क्या है, दो देश दो फैक्टर, और क्या है यहाँ पे, दो गुड्स, तो इसीलिए ये होता है। भौतिक मापदंड में एक दूसरे देश की तुलना में तब पूंजी प्रधान होता है जबकि क्या हो, अनुपात वाला। जब पूंजी श्रम का अनुपात दूसरे देश से तुलनात्मक रूप से अधिक हो। वास्तविक जगत में उत्पादन संभावना चक्र, मतलब इसको बोलते हैं PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको बोलते हैं PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वास्तविक जगत में उत्पादन संभावना चक्र जो है वो क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मूल बिंदु से उन्नतर होता है। तो PPF हम देखते हैं ना कि इस तरह से होता है PPF, तब तो समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु से क्या होता है, नतोदर होता है। व्यापार की दिशा को निर्धारित करने वाला तत्व क्या है, तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। पेन क्यों नहीं चल रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, ये होता है। निम्नलिखित रेखा चित्र किस बात को प्रदर्शित करता है, तो भारत और बांग्लादेश है, कपास और गेहूं है, तो ये तुलनात्मक जो है लागत अंतर। ये तीव्र आवागमन के साधनों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में आजकल दूरी का महत्व नहीं रह गया है, अतः पूंजी तथा श्रम की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में क्या है, बस डिग्री का अंतर है। दो देशों की सरकारों की आर्थिक नीतियां भी पृथक पृथक होती है। एक देश की सरकार किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जबकि दूसरी प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, किंतु इसमें दोनों देशों की उत्पादन लागतों में निश्चित रूप से अंतर आएगा इसे करने से। यदि विभिन्न देशों के बीच श्रम और पूंजी की गतिशीलता पूर्ण स्वतंत्र होती है तथा जिसके कारण मजदूरी, ब्याज की दर, लाभ आदि सभी देशों में समान होते हैं, तब भी विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अंतर के कारण क्या होता है,
वास्तविक जो लागत है रियल कॉस्ट में अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किससे प्रभावित होते हैं? सबसे, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे भी होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो एक्सपोर्ट का प्राइस और इंपोर्ट का प्राइस अपन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सटेंट ऑफ गेन दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्पादन व्यय के अनुपात में सापेक्षिक अंतर जितना है ये अधिक होगा, लाभ का क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। यदि अ देश अब देश ये और भी दो नेशन है कुछ वस्तुओं का आयात करता है और साथ ही साथ कुछ देशों को निर्यात भी करता है। यदि अ देश के निर्यात की वस्तुएं की उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो क्या बोलेंगे? तब ब देश इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, कौन से फॉर्मूले सही व्यक्त किया जा सकता है, सही पूछा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला जो है तो क्या होगा, आयातों का समस्त मूल्य, निर्यातों का समस्त मूल्य, इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, व्यापार की शर्तें। और ये इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, इसी को टर्म्स ऑफ ट्रेड बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल क्या, केवल लागतों के अंतर की स्थिति में ही संभव हो सकता है। तो बी हो गया। विदेशी व्यापार के कारण प्रत्येक देश केवल उसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत के क्या, न्यूनतम लागत में बना सके। इंग्लिश में कौन सा कथन सत्य है? जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रम विभाजन होने लगता है तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। सत्य है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के उत्पादन में कोई एक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन कम लागत पर तथा दूसरा देश दूसरी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करता है, दोनों वस्तुओं के उत्पादन व्यय में इस अंतर को क्या कहा जाता है? पूर्ण अंतर कहा जाता है। रिकार्डो के अनुसार एक देश के अंदर तो समान योग्यता एवं क्षमता वाले श्रमिकों को समान मजदूरी मिलती है, किंतु विभिन्न देशों में उनकी मजदूरी की दर एक समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विभिन्न देशों में श्रमिक जो है वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त हो तो क्या है, उस वस्तु का निर्माण तथा निर्यात करेगा जिसमें श्रम की सापेक्षिक कुशलता सबसे अधिक है या सापेक्षिक कुशलता सबसे कम है, और उस व्यक्ति का वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसके श्रम की क्या है, सापेक्षिक कुशलता सबसे अधिक है और सापेक्षिक अकुशलता सबसे कम है। रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लागत को क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुलनात्मक लागत, कंपैरेटिव कॉस्ट।
ठीक है, तो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में क्या कौन सा जेस मिल ने संशोधन किया था? सुप्रसिद्ध एवं अर्थशास्त्री जेस मिल ने यह प्रतिपादित किया कि वस्तुओं के व्यापार की व्यापारिक विनिमय दर तुलनात्मक लागत अनुपात की सीमा के अंतर्गत क्या एक देश की वस्तुओं की मांग परिणाम तथा मांग की लोच पर निर्भर करती है? तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में जेएस मिल द्वारा जॉन स्टुअर्ट मिल किए गए संशोधन को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल डिमांड। जेएस मिल का पढ़े भी हैं, पुकारा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी सीमांत उत्पादन अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। उत्पादन लागत उसके देश में ज़्यादा होता है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं के उत्पादन व्यय की माप श्रम के रूप में ना करके मुद्रा के रूप में की। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें मोल तोल द्वारा नहीं, बल्कि एक देश में दूसरे देश की मांग के सापेक्षिक लोच पर निर्भर करता है। ये देश की मांग लोच जितनी अधिक होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतना ही अधिक होगी। व्यापार में अधिक ही लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होते हैं, ठीक है, वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये जो तुम्हारा है IRS है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, लागू होता है तो क्या होगा? तो उत्पत्ति की मात्रा में प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम हो जा होता है। सही बात है, वृद्धि हो रहा है मतलब क्या है कि पर यूनिट जो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, घटते जाएगा ही, इसका मतलब है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है तो लाभदायक क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सीमा अधिक व्यापक होगी जो इन्वेस्टमेंट। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया? दोनों श्रम मूल्य सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत अर्थशास्त्री जी हेबरलर ने किसको किस प्रमेय का प्रतिपादन किया? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। यदि वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न देशों में समान लागत के आधार पर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। समान लागत है तो कैसे होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिपेंड करता है। पूर्ण विशिष्टीकरण कंप्लीट स्पेशलाइजेशन केवल निम्नलिखित स्थिति में ही संभव हो सकता है, लागत समान समता की स्थिति में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण करने के लिए मार्शल ने प्रस्तुत किया क्या? ऑफर कर्व। हेबरलर के अनुसार बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत क्या होता है? आंशिक विशिष्टीकरण संभव है, मतलब इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। बढ़ती लागत दशा, इंक्रीजिंग कॉस्ट, अगर है, अगर IRS है,
अगर IRS है तो क्या होगा? इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। बढ़ती लागत दशा के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र, ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या है? PPF, प्रोडक्शन एफ बोलो या PPC बोलो, PPC वो कैसा होगा बढ़ती लागत दशा में? तो कनकेव होगा बिंदु की ओर। हेक्सरोलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूर्व आवश्यकताएं हैं क्या? दोनों उत्पत्ति साधनों की सापेक्षिक कीमतों की भिन्नता और विभिन्न वस्तु उत्पादन में साधनों का विभिन्न प्रयोग अनुपात। दोनों ओलिन जो है के अनुसार उत्पत्ति साधन अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत सेपरेट के प्रिंसिपल का क्या है आवश्यकता को न्यायोचित कहा गया है? उत्पत्ति साधन एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में गतिशील होते हैं, लेकिन विभिन्न देशों में गतिशील होते हैं। एक देश में था ना कि देश के अंदर जो है वो फैक्टर मोबिलिटी है, लेकिन इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट है। निम्नलिखित में कौन सी दशा तुलनात्मक लागत लाभ से संबंधित है? कंपेरेटिव, कॉस्ट एडवांटेज, यह देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कम लागत लाभ प्राप्त करता है, लेकिन यह लाभ दोनों वस्तुओं में भिन्न भिन्न अंशों है। निम्नलिखित में कौन सी मान्यता तुलनात्मक लाभ के लिए सही है? एक देश दूसरे देश में वस्तुओं को स्थानांतरित करने की कोई यातायात लागत नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो जीरो। रिकार्डो ने व्यापार से लाभ की शर्त निम्नलिखित में किस मान्यता के अंतर्गत प्रस्तुत की? कौन सा मान्यता था उस 1:1? विदेशी व्यापार गुणक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को ज्ञात करने का सूत्र कौन है? ये तो पढ़े थे, K=∂y/∂s+∂m। देशों को पदांक 1 और 2 से पूंजी और श्रम को क्रमशः C और L से, कीमत को P से व्यक्त करते हुए स्करोलिन के अर्थ में देश एक नेशन वन में पूंजी की अपेक्षाकृत अधिक प्रचुरता होगी। पूंजी ज्यादा है यदि व्यापार आरंभ होने से पूर्व, क्या होगा? तो पूंजी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ लेबर क्या है वो ज्यादा है, मतलब 44 का क्या होगा? सी। नेशन वन में पूंजी के अपेक्षाकृत प्रचुरता होगी, तो L1 अगर ज्यादा है मतलब क्या है? दोनों देश ए और बी के मध्य मात्रा में पूंजी एवं श्रम के अनुपात एक्स तथा वाई का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से होता है क्या? देश एक्स है, वाई उसमें ये 1:1, तो
यदि इस उत्पादन में किस प्रकार विशिष्टता स्पेशलाइजेशन किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो ए जो है ना एक्स में अपना स्पेशलिटी लाएगा और बी जो है वो वाई में, ए एक्स और बी वाई वस्तु सही है, 45 के ए होगा। यदि रूपांतरण की वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है, इसका अर्थ है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धिमान लागत नियम लागू हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। मुक्त व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य समान होते हैं। मुक्त व्यापार में, फ्री ट्रेड में, विदेशी व्यापार को आंतरिक व्यापार की भांति सुविधाएं प्राप्त होती है। राशि पातन की नीति अपनाने वाले देशों को मुक्त व्यापार की सुविधाएं प्रदान करना क्या है? अनावश्यक है। अब राशि पातन क्या है? चाइना जैसा कंट्री क्या करता है? अपना करेंसी को डेप्रिसिएट करता है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है वो? करेंसी डेप्रिसिएशन। संरक्षण की नीति के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिया जा सकता है, देश की मुद्रा देश में ही रखने का तर्क, आयातों में वृद्धि का तर्क कि ये तो गलत है, विदेशी विनिमय के विस्तार के ए। निम्नलिखित में आर्थिक एकीकरण का रूप कौन सा है? मुक्त व्यापार, साझा व्यापार, कस्टम यूनियन, कौन है सब? तट कर क्या है? यह एक कर, यह कर है जो सीमा के बाहर वसूल किया जाता है। मुक्त व्यापार का एक लाभ है आय के वितरण में सुधार लाना, इस प्रकार मुक्त व्यापार के फलस्वरूप आय का कुछ पुनर्वितरण होता है। दुर्लभ साधन की कीमत में कमी और सुलभ साधन की कीमत में वृद्धि होने से जो टैरिफ देश के आर्थिक कल्याण का अधिकतमीकरण करता है उसे क्या कहते हैं? टैरिफ लगाने से देश के आर्थिक जो है वो ये हो जाता है, कल्याण ज़्यादा होता है देश का, तो उसको क्या बोलते हैं? इष्टतम टैरिफ। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिमम टैरिफ, ऑप्टिमम टैरिफ, यही इष्टतम है। निम्न आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव, इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, DEMON, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, आयात की मांग में वृद्धि करता है यह विचार व्यक्त। एस डिवीजन वेरी। संरक्षण का शिशु उद्योग, ठीक है, 56, देश के भुगतान शेष में असंतुलन उद्देश्यों से आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया जाता है। जब देश कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तब व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है और व्यापार का आकार घटता है। जब कोई देश आयात प्रशुल्क लगाता है तब, तो फिर वही बतवान हो गया, दूसरे उसी तरह से दूसरा ये हो गया। आयात वस्तु घरेलू की कीमत क्या होगा? बढ़ेगा। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है, ठीक है,
परफेक्टली इलास्टिक है, और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति परफेक्टली इनइलास्टिक है। हमारा जो है मांग वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और उसका परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा अनुकूलतम प्रशुल्क, ठीक है, उस बिंदु पर होता है जहाँ प्रस्ताव वक्र की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक परंतु अनंत से कम होती है। मान लीजिए कि कपड़ा धोने की मशीन उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार कपड़ा धोने की मशीन पर 10% मूल्यानुसार नगद कर लगाती है, तो कपड़ा धोने की कुल लागत जो है 10,000 रुपया है, प्रधान घरेलू साधन का अंश 40% और आयातित आगतों का 60% नगद के बाद कपड़ा धोने की मशीन की प्रति इकाई कीमत 11,000 रुपये, 10,000 प्लस 3,000 होगी। इस स्थिति में कर का की प्रभावी दर क्या होगा? 3,000 जो हुआ है ना, तो 25%, चूंकि 1% तो उधर हुआ। प्रत्येक वर्ष कई देश दूसरे देश के जहाज़ों का उपयोग आने जाने के लिए माल ढोने के लिए करते हैं, जिनके लिए जहाज़ी कंपनियों को किराया चुकाना पड़ता है। जो देश विदेशी जहाज़ों का उपयोग करते हैं उनके लिए अदृश्य आयात हुआ। जब किसी देश का भुगतान संतुलन इक्विलिब्रियम में रहता है, तो उस स्थिति में देश की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तब इससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है तथा उसका आयात हतोत्साहित होता है, जिससे भुगतान का क्या होता है, प्रतिकूल संतुलन शीघ्र ही साम्य स्थिति में आ जाएगा। कभी कभी कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करता है, अवमूल्यन उचित नहीं समझता करना। इस अवस्था में वह मुद्रा संकुचन की रीति को अपनाकर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करता है। मुद्रा संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। आयात कम करने के लिए सरकार लाइसेंस या कोटा की नीति के द्वारा आयात की अधिकतम मात्रा को निश्चित कर देती है। तो इस प्रकार निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित कर प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कम करती है। देश की मुद्रा का अवमूल्यन क्या निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करती है? अवमूल्यन का अर्थ है देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय शक्ति को कम करना, यानी विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा के मूल्य को कम करना। इससे देश के निर्यात विदेशों में क्या होता है, सस्ता हो जाता है, आयात महंगे हो जाते हैं। भुगतान के विवरण प्रारूप में वस्तुओं का आयात विकलन डिफिसिट पक्ष का मध्य, विदेशों को दिया गया दंड दान मुआवजा आदि युद्ध संबंधी मद भुगतान संतुलन विवरण के क्या विकलन डिफिसिट पक्ष में शामिल की जाती है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? व्यापार संतुलन का संबंध केवल दृश्य व्यापार से ही रहता है। व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार की दृश्य मदों की गणना होती है, किंतु भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों का। निम्नलिखित में कौन से मद भुगतान संतुलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है? कोई नहीं, ने वस्तु का निर्यात, अदृश्य मदें वस्तुओं का आयात, कुछ नहीं। वस्तुओं का आयात और पूंजी का निर्यात, यह दोनों देश
के भुगतान शेष में सम्मिलित होंगे, केवल देनदारी पक्ष। जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार देता है या उधार लेता है, तब भुगतान संतुलन में क्या होता है? अल्पकालीन असंतुलन उपस्थित होगा। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने में अवमूलन सफल होगा जब कब? आयात और निर्यात दोनों की मांग लोचपूर्ण हो। 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवमूलन का प्रभाव यह होता है कि वह क्या सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन ला दे और विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों के प्रतियोगिता को सुधार देता है। निर्यातों और आयातों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, परफेक्टली इलास्टिक, तो अवमूलन के जरिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अदायगी शेष की स्थिति में सुधार लाने की अनिवार्य शर्त यह है कि निर्यातों की मांग की कीमत लोच एनएक्स और आयातों की मांग की कीमत एनएम का जोड़ होना चाहिए। क्या 1 से अधिक? अवमूलन तब अधिक कारगर होगा जब क्या? अवमूलन करने वाले देश निर्यातों की विदेशी मांग कीमत लोचदार होती है। ड्यूबेंसरी का मत था कि विकासशील देशों को निम्न कारणों से अपने भुगतान शेष पर गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शन प्रभाव, प्रचलित विनिमय दर जिस पर विदेशी विनिमय का शीघ्र हस्तांतरण विदेशी बैंकों द्वारा तत्काल किया जाता है, कहलाती है क्या? केवल दर। घरेलू और विदेशी ब्याज दर में जितना अधिक अंतर होगा उतना ही क्या होगा? अग्रिम विनिमय दर तत्कालिक विनिमय दर से अधिक होगी। अग्रिम विनिमय दर और तत्कालिक विनिमय दर में अप्रत्यक्ष संबंध बनाने वाले घटक क्या हैं? तो ब्याज ही है। फॉरवर्ड और स्पॉट बोलते हैं ना, स्पॉट बोलते हैं जो तुरंत हुआ, और फॉरवर्ड क्या होगा जो होगा। आर्बिट्रेज ऑपरेशन का संबंध किससे है? दो अलग अलग बाजारों में क्रमशः क्रय और विक्रय से। गोल्ड पॉइंट क्या है? दोनों है, स्वर्ण मान में स्वर्ण आयात की निम्नतम सीमा और उसका उच्चतम निर्यात का उच्चतम सीमा। गांठ जो हुआ था उसका कब लागू हुआ था? 1948 में। कौन सा कथन सत्य है? ये सी सत्य है, WTO इसी से आया है। गांठ का उद्देश्य क्या था? देश के बीच संधात्मक प्रतिबंधों को कम करना और देश के भी प्रतिबंधों को कठोर बनाना, दोनों। सबसे अधिक मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? गार्ड से। गांठ का अंतिम दौर कौन सा था? 8वां। 8वें चक्र ऋग्वेद चक्र का समय कब था? जैसे ही WTO से पहले, तो WTO कब हुआ? उस समय उससे पहले 83-93 अंतिम था उसका।
ऋग्वेद और का परिणाम क्या था? गाड के स्थान पर WTO की स्थापना। उरुग्वे दौर के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? 1995 1 जनवरी को। गाड की कब समाप्ति हुई? तो उससे पहले 1 जनवरी का आया है, उससे पहले यानी 95 में ही हुआ है, तो पकड़ सकते हैं आसानी से 94 के। कौन सा कथन सत्य है? WTO का कार्य क्षेत्र गार्ड के बराबर है, नहीं ज़्यादा होगा, तो अधिक विस्तृत है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? दोनों काम, वस्तुओं व्यापार का नियमन, नियम बनाना, और बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित निगरानी। WTO के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, असत्य कौन है? ठीक है, तो कौन असत्य है? WTO की परिधि में कृषिगत वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित नहीं है, सत्य है ये, असत्य। WTO की प्रस्तावना में गाठ के लिए उद्देश्य को सम्मिलित किया गया। सब जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बृहद स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। विश्व व्यापार संगठन WTO किस अतिरिक्त उद्देश्य को सम्मिलित किया गया? सस्टेनेबल ग्रोथ, सेवाओं का उत्पादन एवं व्यापार, पर्यावरण संरक्षण, सभी बौद्धिक संपदा अधिकार से ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज तथा व्यापार से संबंधित निवेश स्ट्रीम्स। क्या है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।